राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने मंगलवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आवश्यक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ल एवं प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सवनानी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, आइए जानते हैं क्या कुछ कहा दोनों ने। आज अभी संपन्न हुई है और ये बैठक विशेष तौर पर आगामी आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों पर हर घर तिरंगा अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान में मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर तिरंगा पहुंचे। इस अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने आज एक व्यापक तैयारी आज देश के अंदर की है। तिरंगा घर घर तक पहुंचे, तिरंगा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर के जिला पंचायत, जिला परिषद, ये सारा तंत्र इस काम में भारतीय जनता पार्टी का भी लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर तिरंगा अभियान ऐतिहासिक बनेगा। इसकी तैयारी हमारी सरकार ने भी व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर की है। कई प्रकार की नई चीजें भी तिरंगा अभियान के अंदर होंगी। युवा मोर्चा हमारा 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नौजवान तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। साथ में ही इसके बाद 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण का कार्यक्रम भी पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 14 अगस्त भारत विभाजन की विभीषिका, वो दृश्य जो आजादी के पूर्व 14 अगस्त को नरसंहार जो हुआ, तो प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके ऊपर कार्यक्रम भी करेंगे। समाज के लोगों को, आज की नई पीढ़ी को और प्रदर्शनी के माध्यम से उस दृश्य को लोगों के बीच ले जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसी प्रकार से 13, 14 और 15 अगस्त ये 3 दिन सभी कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के आम जनमानस, सभी व्यक्तियों को तिरंगा उपलब्ध कराना, घर घर तक तिरंगा पहुंचाना और 13, 14, 15 में हर घर पर तिरंगा फहरे, ये देशभक्ति का जज्बा और देशभक्ति के भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक ये निर्णय लिया है। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी तिरंगा देंगे, तो दूसरी ओर सेल्फी विद तिरंगा ये भी हमारे लोगों ने अभियान लिया है और सोशल मीडिया पर, बाकी सारे हमारे मीडिया के इस तंत्र में भी इस अभियान को ऐतिहासिक अभियान बने, ये आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में विशेष तौर पर इसकी हमने तैयारी की है। सभी हमारे पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी, अभियान के प्रभारी आज बैठक में उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पूरा समय आज भारतीय जनता पार्टी की इन बैठकों में इस अभियान की तैयारी के लिए दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस समय